साथियों, आज जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये पहले भी हो सकते थे, लेकिन 2014 से पहले के वर्षों में कांग्रेस और उसके साथियों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी में नोट भरने में लगा रहा। जो कांग्रेस सरकार कोयले को लूट कर खा जाए, वो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने के बारे में कैसे सोच सकती है। जो कांग्रेस सरकार यूरिया में घोटाला कर दे, वो किसानों को सस्ती दर पर यूरिया कैसे उपलब्ध कराती। ये कांग्रेस सरकार भर्तियों में भी घोटाला कर दे, वो देश के नौजवानों को कैसे नौकरी देती। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश में ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जिसमें गरीब पर, नौजवान पर, आदिवासियों पर अविश्वास पैदा हो। गरीब कांग्रेस सरकार से कुछ भी मदद मांगने जाता था तो कांग्रेस सरकार कहती थी कुछ गारंटी लेकर आओ। उस सर पर रिवाज था, हर किसी से गारंटी मांगी जाती थी। बैंक में खाता खोलना है, कांग्रेस कहती थी गारंटी लाओ। बैंक से रोजगार के लिए कर्ज चाहिए, कांग्रेस कहती थी गारंटी लाओ। नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, कांग्रेस कहती थी किसी अफसर की गारंटी लाओ। अब संयोग देखिए कि 2014 के बाद एक गरीब का बेटा केंद्र सरकार में आ गया, और जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा गरीब की सबसे बड़ी गारंटी मोदी बनेगा। जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उसकी गारंटी मोदी ने ले ली। हमने जनधन खाते खोले, मोदी सबकी गारंटी बना। बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी के पास बैंक को देने के लिए क्या था? हमने बिना गारंटी लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। पहले हमारे विश्वकर्मा साथियों की गारंटी लेने वाला भी कोई नहीं था। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उनकी गारंटी ली, उन्हें बैंक से मदद दिलाई। ऐसी योजनाओं की वजह से ही आज गरीब का आत्मविश्वास बढ़ा है, उसे एहसास हुआ है कि सरकार उसके साथ है, मोदी गरीब के साथ है।